आपको समझ नहीं आती ना हिंदी? हाँ, डेली यात्रा ब्लॉग्स पे आपकी सारी डेली यात्रा ब्लॉग्स पे सारी वीडियो आएंगी, यूट्यूब पे आएंगी आपके। हाँ, डेली यात्रा ब्लॉग्स। तो मुझे पूछ रहे थे कि ये कौन सी चैनल पे वीडियो आएंगी, तो मैंने बोला इनको डेली यात्रा ब्लॉग। जा रहे हैं अपने, इस भाई ने बहुत बहुत ही साथ दिया, और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी कस्टमर जो है गेस्ट आए थे, उनको एक अपना समझ के, अपने फैमिली की तरह समझ के हर सुविधा सुख सुविधा देने का पूरा प्रयास किया, और उस पर ये भाई खड़े उतरे हैं। और भाई कुछ कहना चाहोगे लास्ट में, आप लोग क्या संदेश देना चाहोगे जो जितने भी टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनके लिए खासकर? एक्चुअली कश्मीर जो है ना, हर कोई बोलता है कश्मीर एक जन्नत है, ये वाकई जन्नत है। और यहाँ के लोग जो है ना इतना प्यारे हैं, इतना प्यारे, वो हर किसी टूरिस्ट को साथ इतना मतलब व्यवहार करते कि समझते कि अपने फैमिली का है। और बाहर जो मीडिया में दिखा रहे ना आपको, वो सच नहीं है, सच नहीं है। क्योंकि हर कोई डरा हुआ होता है कि अगर हम कश्मीर जाएंगे क्या हम सेफ है वहाँ पे? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आप इतना सेफ है कि आप समझो कि आप अपने घर में उतना सेफ है नहीं जितना आप कश्मीर में सेफ हो। जी, एक इस समय आपकी जो वीडियो है देश के अलग अलग राज्यों में जाएगी, आप कश्मीर के रहने वाले हो, एक हॉस्पिटलिटी से जुड़े हुए हैं, होटल लाइन से जुड़े हुए हैं, क्या संदेश रहेगा उन टूरिस्ट के लिए जो देखकर डरते हैं, जो घबराते रहे हैं कश्मीर के लिए खासकर? तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप एक बार आए यहाँ पे, कि आप खुद देखो यहाँ पे कश्मीर में क्या है और कश्मीर में क्या नहीं है। जो आप सुन रहे हो वो कश्मीर में है नहीं, जो कश्मीर में मेन चीज़ है वो आपको पता नहीं है कि यहाँ पे लोग जो है कितना खातिरदारी करते हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं हर टूरिस्ट से कि वो आप कश्मीर ज़रूर एक बार आए देखने के लिए, ताकि आपके मन में जो खौफ है वो आपको निकल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, और इसी तरह हम लोगों का भी, चाहे मैं, हम लोग जम्मू से हैं, कश्मीर से, कोऑर्डिनेशन जो हमेशा बने रहेगा। और जितने भी लोग आएँ, हम सबका यही कर्तव्य प्राथमिक यही रहता है कि इन लोगों को हम अच्छे से अच्छे सर्विस दें, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे होटल की हो, खाने पीने की, परिवार की तरह पूरा ध्यान रखें। तो अपना भाई कश्मीर से है, और आने वाले दिनों में खासकर मेरे जितने भी लोग आएँ तो मैं इनको स्पेशली इनके होटल में रेफरेंस करूँगा, आइए और अपने भाई से मिलिए, और जो भी कश्मीर की कश्मीर से जुड़ी कोई भी जहाँ ज़रूरत होगी तो ये भाई पूरी करेंगे, चाहे गाड़ी को, होटल की हो, खाने पीने की हो। तो थैंक्स आपका बहुत बहुत हमारे इससे बातचीत करने के लिए, और ये कश्मीर से एक अच्छा संदेश देने के लिए। तो ये भी अपने जावेद भाई हैं जो कि कश्मीर के ही रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, जितने भी गेस्ट आए थे, एक बहुत ही अच्छा सर्विस देने का इनका पूरा दायित्व रहा है, और इस पर खरे उतरे हैं। और क्योंकि सभी लोग जो हैं खुश होकर जा रहे हैं, तो लास्ट में हम लोग आज जा रहे हैं पहलगाम, और फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे सीधे जम्मू कटरा के लिए। तो जाते जाते जावेद भाई, आपकी तरफ से जितने भी लोग इस समय देश के अलग अलग राज्यों से वीडियो को देख रहे हैं, कश्मीर से क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? सर, मेरा संदेश यही रहेगा, कश्मीर आओ। कश्मीर एक ऐसी जगह है, अगर आप बाहर जाएंगे फॉरेन कंट्री में, तो उससे मुझे बेटर लग रहा है, मोर बेटर देन जो है वो कश्मीर है। कश्मीर के लोग देखो, कश्मीर का कल्चर देखो, कश्मीर की एक खूबसूरती देखो, उसके देखने के लिए लोग फॉरेन से भी आते, आप यहाँ से वहाँ जाते हो। मुझे लग रहा है उससे बेटर है कि आप यहाँ पे आओ, कश्मीर के लोग देखो, कश्मीर की जगह देखो, बहुत अच्छे अच्छे पार्किंग है यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, होटल्स है, 3 स्टार से ले 2 स्टार से ले के 5 स्टार तक होटल यहाँ पर रहते हैं। तो मेरा यही संदेश है पूरी हिंदुस्तान को, आवाम को कि आप आइए, मेहरबानी करके आप देखिए हमारा कश्मीर, क्योंकि एक जहाँ जो खूबसूरती है वो कुदरत ने इतनी मेहरबान यहाँ पर की है कि कूट कूट भरा है, कूट भरा हुआ है। जी जी, तो देखिए ये अपने जावेद भाई हैं, और ये होटल में ही पिछले 4 दिनों से सर्व कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा इनके साथ। आने वाले दिनों में खासकर मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मैं सीधा अपने जावेद भाई पर जिम्मेदारियां दे दूंगा, और ये यहाँ कश्मीर में सर्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद भाई, हमसे बातचीत करने के लिए।